सुबह की चाय हो, हल्की भूख या फिर कुछ खाने का बहाना हो, इन चीजों में पार्ले जी बिस्कुट सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले इस बिस्कुट ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के प्याले तक पहुंचने में इस बिस्कुट को कहां से कहां गुजरना पड़ता है? हमारा मतलब है कि हमारा पसंदीदा बिस्कुट कैसे बनता है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। पार्ले जी बिस्कुट बनाने के लिए हमें चाहिए व्हीट फ्लोर, शक्कर और एडेबल ऑयल। सबसे पहले व्हीट फ्लोर और शुगर को छानकर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लोर, पानी, ऑयल और शुगर को मिक्स किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा ये मिक्सचर मात्र 90 सेकंड में बनकर तैयार हो जाता है। अब बनाए गए इस मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां 28 से 32 डिग्री तापमान के बीच यह मेल्ट हो जाता है। जिसके बाद एक सांचे नुमा रोलर में इस मिक्सचर को डालकर पार्ले जी बिस्कुट का आकार दिया जाता है। एक रोलर एक बार में 385 बिस्कुट बनाता है, जिसके बाद 120 से 240 डिग्री तापमान पर इन बिस्कुट्स को बेक किया जाता है। फिर 7 से 8 मिनट तक इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि ये ठंडा हो जाए, जिसके बाद ये बिस्कुट पैक किया जाता है और अब ये आपके घर के पास वाली दुकान में आने के लिए तैयार है। दोस्तों आप जाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए और कमेंट करना ना भूलें कि आपका सबसे ज्यादा फेवरेट बिस्कुट कौन सा है।